नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। कोरोना टेस्टिंग सेंटर गुरुवार तक सेक्टर 11 के बाजारों में होंगे शिफ्ट। यूटी एडवाइजर मनोज परिदा ने मार्केट एसोसिएशन को शिफ्ट करने के दिए आश्वासन। पंचकुला में दो दिन के लिए शिक्षा विभाग के सेक्टर 9 व 19 के कार्यालय बंद। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए लिया गया निर्णय। हिसार के परिवार पहचान पत्र को लेकर जरूरी खबर। हिसार में 7 से 12 व 21 से 26 सितंबर तक होंगे अपडेट। हिमाचल के ऊना में जल शक्ति विभाग के 3 कर्मचारी समेत 11 कोरोना पॉजिटिव। चंबा में 2 और संक्रमित मिले। रघुराम राजन ने सरकार को चेताया, जीडीपी में 23.9% की गिरावट चिंताजनक। शाहजहांपुर, बदायूं, प्रतापगढ़ में सबसे बड़ा मेडिकल घोटाला। 1.5 लाख का एनालाइजर 3.5 लाख में खरीदा। करनाल में कोरोना बेकाबू, 2 की मौत। अब तक कुल 239 पॉजिटिव मामले आए सामने। कंगना को केंद्र से मिली सुरक्षा। वाई कैटेगरी के सिक्योरिटी कवर में मुंबई जाएगी कंगना। महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले, मुंबई का अपमान करने वालों को सिक्योरिटी मिलना दुख की बात। सुशांत केस, रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस किया। एम्स में एक्टर के विसरा की जांच होगी। जहर देने की आशंका, रिया से पूछताछ जारी। दिल्ली विधानसभा का 14 सितंबर को होगा एक दिवसीय विशेष सत्र। कैबिनेट का फैसला। अब तक के लिए इतना ही। फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।